द स्टोलन सिगार केस, इसके राइटर हैं फ्रांसिस ब्रेट हार्ट, जो 1836 से 1902 तक अलाइव थे। ये एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड पोएट थे। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है द स्टोलन सिगार केस, ये एक पैरोडी है डिटेक्टिव मतलब स्टोरी का, और पार्टिकुलरली अ केस ऑफ आइडेंटिटी, जिसके हीरो शर्लक होम्स है। डिटेक्टिव कॉमिक्स में मतलब स्टोरी में शर्लक होम्स बहुत बड़े डिटेक्टिव माने जाते हैं। इनके राइटर सर आर्थर कॉनन डॉयल थे। तो ये एक पैरोडी है किस तरह से डिटेक्टिव एक्ट करते हैं। शर्लक होम्स का पैरोडी कैरेक्टर हेमलॉक जोन्स है इस स्टोरी में। नैरेटर कहते हैं कि वो हेमलॉक जोन्स को विजिट करते हैं, तो पता चलता है हेमलॉक जोन्स बहुत परेशान है कि उनको एक सिगार दिया गया था टर्किश एम्बेसडर द्वारा, जो कि डायमंड था उस सिगार में जरा हुआ। तो वो बहुत परेशान है कि किसने उसे चुराया है। तो और थोड़ा बहुत पैरोडी दिखाया गया है कि हेमलॉक जोन्स छाता में पानी लगा हुआ देख के प्रिडिक्ट कर देते हैं कि बाहर बारिश हो रही थी एक्सेट्रा। तो हेमलॉक जोन्स को लास्ट में राइटर पे ही सस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पता चलता है सिगार कहीं नहीं, बस ड्रॉवर में ही था। तो यही एक पैरोडी स्टोरी।